सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई सोचो आज चश्मा लगा कर जगदीप कुकर बैठा भाई, आंख दुखनी आ रही है ए याली आंख है ना, प्रूफ समेत, क्योंकि प्रूफ मांगे जनता कहीं बात, तो भाई इसलिए काला चश्मा लगा रखा है। अरे बाकी इतना बुंडा भी कौन लगता हुआ यार, चश्मा ज्यादा है। हमारे दीपक लाठर जी हमारे साथ बैठे हैं। विषय है सीईटी का एग्जाम ग्रुप नंबर 56 और 57। बड़ा बवाल चल रहा है सीईटी पे भाई। अरे देखा ना, घनी सारी बात चल रही है इस पे सीईटी पे। सरकार तो अपना एक पक्ष रख दे, हाँ भाई पेपर होगा, कोई कैंसिल नहीं होगा, रिजल्ट भी आओगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि पेपर पे पहले स्टे लगा दिया था, चल फिर करा दिया, रिजल्ट पे भी रोक है। अरे सरकार एक तरफ और कोर्ट एक तरफ, मामला है यो। कई बार तो नू भी सरकार कहती सुना है विपक्ष का काम है यो। भाई विपक्ष का क्यों करो गया, पेपर में 42% तो आप दे रही है सरकार। देखो या तो कहने की बात है यार, एक काम विपक्ष पर थोड़ी थोप सके हैं। चल कर भी रही हो तो मान लो विपक्ष कर भी रही है तो 42% तो आपने बनाए, विपक्ष ने तो नहीं बनाए। में तो बात आज इस विषय पे चर्चा करांगे कि अब जो ये एग्जाम है इस पे लोगों की सोच के है, हमारे मास्टर जी की सोच के है, और मैं इसमें के सोच रहा हूँ। मास्टर जी आपने क्या लगा ये 56-57 सारे भाई ना, राम राम भाई। और 56-57 की अभी जो बात है वह दो तरफी है सर। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, कम से कम 1.5 से 2,000 बच्चे जिन्होंने ये पेपर दिया है जी, जो जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज आए हैं, जिन बच्चों के क्वेश्चन सही सही हो रहे हैं, मतलब अच्छा पेपर हो रहा है, उनका तो कहना है कि कैंसिल नहीं होना, नहीं होना चाहिए जो पेपर दे रहे हैं, जो दे रहे हैं जी, बहुत नंबर बने रहे हैं जी, 88, 87, 89, 91, मतलब 16 हो रहे हैं, मतलब हाँ जी लोअर ला रखे उन्होंने बढ़िया। वह तो उनको कैंसिल नहीं होना चाहिए, रवांगे तो 1-2 नंबर तो रह जाएंगे, लेकिन चलो कोई तो लग गए। जो इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है पूरा हरियाणा में, कम से कम थोड़ा भाई फर्क होगा, कोई ना कोई तो जाओगा, कोई तो जाएगा। फिर कुछ बच्चे जो अब दो प्रकार के बच्चे हुए हैं, एक तो जैसे पहले दिन 57 नंबर का पेपर होया, जो उसकी बाट में थे भाई, हम भी थे, बट तो आइडिया आ गया भाई कित कित तक क्वेश्चन पूछे गए। तो जो जिसने वो पेपर सही देख रखा है, एनालाइज करा बढ़िया, अब हाँ इन टॉपिक में तो क्वेश्चन आए थे तो अगला दिन इन में था सके, उन बड़का का हो गया जबरदस्त फायदा। जिन बड़का ने वो 57 आला देखा ही नहीं, जिनका दिमाग में होगी 57 आला तो अलग कैटेगरी, हमारा अलग कैटेगरी है, के लेना देना आपस में, लेकिन आपका ध्यान नहीं हो तो जब यो सिलेबस आप चेंज करा के आए थे, लेकिन हमने ही HSSC का इसकी साइड ध्यान दिलाया था कि सर 20 नंबर में भी वही चीज दे रखी है, 70 में भी वही चीज दे रखी है, तो उसी टाइम मीटिंग करके चेयरमैन साहब सामने मीटिंग करके उसी टाइम ऑन द स्पॉट ये वीडियो भी बनाई थी हमने आप लोगों का, भाई अब सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया। तो जिन बड़का ने 57 का पेपर एनालाइज करा उनने तो हो गया फायदा अगले दिन, जबरदस्त फायदा। जो एनालाइज नहीं करा, जिन्होंने समझ लिया अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन सिलेबस सेम था दोनों कैटेगरी का, समझिए बात, सेम था बिल्कुल, एक एक अक्षर सेम है। अगर आप सर्च मारो, सोचने की बात है, प्लस टू लेवल आड़ा पे कुछ और ले लिया, और बी आड़ा पे भी अलग, मतलब उन्होंने इक्वालिटी नहीं रखी, अजीब मामला रख दिया उन्होंने। तो ये क्या होया कि जिन बालका ने 56 का दिया ना अगले दिन, जिन 57 आला पे ध्यान नहीं दिया, वह माइनस में गए, वह अटक गए 70-75 पे। और जो उस दिन बढ़िया पी गए उस पेपर ने, उन 42 तो सीधे वहीं थे आगे, और 30-35 हुआ आगे पहुंच गए 85-90 पे। तो अब बच्चा का कहना है, अब आंसर की आई है, बालक मिलाओगे तो फिर एग्जैक्ट एक वो बनका होगा। मेरे पास कल भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सब ने अपने अपने नंबर भेज सके सर क्या चांस है, लेकिन अभी तक हमने जो एस्टिमेट था, अगर फेयर सिस्टम होता तो लगभग 75-78 के आसपास लिस्ट जाती, एवरेज होती है तो। लेकिन अभी पेपर इतना आसान हो गया वो अगले दिन वाला, क्योंकि आधा पेपर तो पहले ही बच्चों को याद था, आधा ही हो गया, तो वहां से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। लेकिन अब सरकार जो है इस बात पे अड़ गई है कि भाई पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। अब समस्या दो प्रकार की है सर, एक तो सरकार तो नहीं करेगी, ये तो बात अपने पहले दिन तक पता थी, क्योंकि यो है चुनावी साल। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं,
एक समस्या हमारे हरियाणा में ये भी होगी है कि जो बच्चे चाहते हैं बस वही बोलो, समझ गए, लॉजिक के हिसाब से नहीं बात, ना लॉजिक के हिसाब से बात ना करो ना अपना गाड़ी लिखेंगे फिर। लेकिन सच बात क्या होगी है, हमने वीडियो बनाई 5 दिन 4 दिन पहले, नहीं होगा कैंसिल क्योंकि बाकी सारा नु बना रखी थी कैंसिल होगा, वो मन्ने नु कह दिया भाई कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल में जो अपने पास न्यूज आवे है उसके वो, उसी हिसाब से बना दिया हमने, तो सोचते भी कि है एक्चुअल फैक्ट पे वीडियो बना दें। और आप, मैं अपने सारे भाइयों तक कहूंगा कड़वी अच्छी किमे बिलागो, मारा काम है तुम्हारे सामने सत्य रखना, चाहे वो आज अपना कड़वा रखो अगले दिन नोटिस आ जाए। जब हमने यो सिलेबस चेंज कराया, हमने आकर लाइव वीडियो बनाई तो बहुत सारे बड़का ने मरता कहा कौन हो आचार्यो सो नोटिस थोड़िया सन, वो नोटिस आ गया फिर मान गए। फिर क्या होया कि हरियाणा पुलिस के बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे, आपके पास भी, आपका थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो मैं रीड कर लेता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे काम करता हूँ, तो वो कह रहे थे कि सर हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो भाई जो मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, देखो जगदीप भाई साहब मार्तक बहुत सीनियर हैं इस मामले में, हम तो बच्चे हैं, 1 साल होया हमने तो आए, तो मैंने इन तक कहा कि सर उनका भी एक बार थोड़ा सा ध्यान दो। तो जो इन्फॉर्मेशन निकली भाई यही थी कि भाई 3-4 दिन के बाद उनका सोल्यूशन हो जाएगा, और कल एग्जैक्ट उस वीडियो को 4th दिन था, और कल भगवान की दया था अपने हरियाणा पुलिस के बच्चा का काम हो गया, आज वो सारे बुला लिए हैं ज्वाइनिंग के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अब तो परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जो 3 टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, उनका नोटिफिकेशन भी नहीं आता, मैंने वीडियो बना के डाल भी दी, तो लोग ने बोले ना यार झूठी है फेक है, फिर लेकिन 2-3 घंटे बाद नोटिफिकेशन ये गया ऑफिस। दिक्कत है एक्चुअल में, जो आप इन्फॉर्मेशन देवा उस पर थोड़ा यकीन करा करो। ये भी जो बालक नु कहने लग रहे थे कैंसिल होना चाहिए कैंसिल, अब ये जो मीटिंग हुई है, जो सीएम साहब की मीटिंग ली है सीएम साहब ने, तो उसमें भी इस तरीके का जिक्र चला है भाई क्या क्या परसेंटेज है। तो जो इनपुट है वो ये है कि सरकार का मानना ये है कि जिन बच्चों ने पेपर दिया था वो नहीं चाहते कि कैंसिल हो, सरकार का मानना है, सरकार का मानना है, और जो पेपर ही नहीं दे रहे उन्होंने एजेंडा चला रखा है कि कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो, इसलिए सरकार नहीं करेगी कैंसिल, जितना कोशिश चाहेगी सरकार ये करेगी कि कैंसिल ना हो। इसलिए भाइयों आप देखो कोर्ट करे कुछ करे, अब 16 तारीख को हियरिंग है, अर्जेंट हियरिंग की ऐप में वो डाल रखी है, कल ही अर्जेंट हियरिंग डाल दी, जो 42-41 क्वेश्चन आए हैं इन पे जवाब तलब की जाए। हाँ। हाई कोर्ट ने सख्ती से कहा है एजी साहब को, चेयरमैन साहब को, भाई 16 तारीख ने पेश हो जो विद प्रूफ। हाँ, विद प्रूफ। और आज एजी की तरफ से भी मैसेज शायद गया है कि भाई चिंता ना करो जी विद प्रूफ आवांगे और हम अपनी सॉलिड तैयारी कर रहे हैं, इस तरह जो मैसेज चल रहे हैं हमारे पास इनपुट आई है। इब हरियाणा सरकार जो है, जो लीगल टीम है वह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्शन में है, अभी पूरे प्रूफ रूफ के साथ मैं जाऊंगे। और यह बात तो बड़का ने बेरा भी पटकी होगी, मैं इन तनु को उतार रहा है ईब तम बैम ना मानो, ये पेपर होंगे, कारण इलेक्शन, हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग कल दे दी, आज ज्वाइन करने खातर सारे बुला लिए, बेरा पट गया होगा, छोरी आगे पे सटे था वोट लिया, आज उसके काम चालू हो गया एक झटके में। इतवार का पेपर था ठीक है, शनिवार ने जजमेंट आ गया, इतवार ने कैंसिल हो गया, इतवार ने अटका जजमेंट आ गया कि मंगलवार ने, सरकार है सोमवार ने तो होया हुआ, मंगलों ने भी होया, यानी कि कितने नहीं डिगा इस चीज ने, नु समझ लो सरकार चाह के रही है कैसे भी भर्ती करनी है। इब तो भाई जिसका नंबर आओगा, इब जैसे ग्रुप डी के बच्चे हैं, ज्यादा ग्रुप डी के, अरे तो चक्कर ना कैंसिल भी हो जियो, लेकिन अब कोशिश नहीं है उसकी, सरकार की कोशिश नहीं है, कोर्ट सरकार तो लेगी भी पेपर बड़ा, कोर्ट तो कोर्ट है जी, उनका तो सरमाथा पैसा भाई, बुरा मानो चाहे बुरा मानो, जिसने झंडा उठाना पार्टी का झंडा उठा लो, सही, लेकिन पढ़नी है पढ़ लो भाई, इस साल में फरवरी तक बेशुमार नौकरी निकलेंगी और लगेंगे, मजबूरी है, मजबूरी है। हमने बीजेपी जो कर एक आधा कह दिया बीजेपी की तारीफ करो नू करो भाई, बेशक मेरे गले चाल पड़ी हो जब हमने नू बहमत हो, अगर भर्ती कर दी तो वोट देंगे, अरना नहीं देंदे जम्मा कटे फिर तो, समझ गए, 5 साल हो गए रिंगांदे, बालक भी रिंगा रखे मास्टर भी रिंगा रखे सब रिंग रहे हैं, इसमें कोई दुराय नहीं, हमने किसी पार्टी की जमा बिल्कुल कहा भाई कोई फेवर नहीं, और हम फेवर करते भी नहीं, मैं तो करता नहीं पर्सनली, समझ गए बात ने। दूसरी चीज, बहुत सारे बालक हैं जो एक दूसरे ने सपोर्ट करें, दूसरी चीज हरियाणा ग्रुप डी के जो बालक हैं, समस्या उनके लिए, और समस्या उनके लिए जिनके सीटी मेंस के पेपर होने रह रहे हैं भाई, जो आगामी पेपर हैं,
तो उनके लिए इनपुट ये है भाई कि वो पेपर शायद अभी नहीं होंगे, हैं जो अभी, आगामी है हाँ, जो ये 19 का जो ये पेपर अभी शायद रोक रखे हैं जी, ये रोक दिए हैं, रोक दिए अभी। लेकिन जो ग्रुप डी के बच्चे हैं अब उनको नो टेंशन हो रही है कि भाई हमारी भर्ती होगी कि नहीं, ग्रुप डी वाले डर रहे हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि नेगेटिव माहौल से बाहर निकलो भाइयों, एक चीज समझो, हरियाणा में आप जितनी नेगेटिव बात करेंगे इतने ज़्यादा व्यूज आएंगे, इतने ज़्यादा आपकी वीडियो को लोग देखेंगे, इतने ज़्यादा आपकी तरफ लोग भागेंगे। लेकिन मैं अपने एक बात बता देता हूँ, एक नेगेटिव वीडियो बनाने से भी जो बच्चा आज पढ़निया है, पढ़न का ऑप्शन एकमात्र बचा है, जिसके घर के हालात बहुत खराब हैं और जो मेंटली नो स्ट्रोंग होकर बैठा है कि ना मैं पढ़ूंगा, मैं मेरे घर के हालात बदलूंगा, और वो एक बार वीडियो देखा क्या सीईटी नहीं होगा, जब इन रहने दे रहो भाई फिर की तैयारी, नेगेटिव ना बनो भाई। पेपर हो गया ना 56 का भी 57 का भी, आंसर की आ गई, रिजल्ट भी 20-22 दिन के अंदर कोर्ट दोनों का रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन सरकार सरकार का क्या कहना है, सरकार ने कहा भाई काट देंगे रिजल्ट, देख लो एकदम, चाहे बाद में कुछ कैंसिल हो जो हाँ। लेकिन पढ़नी है बड़का खातर ये वीडियो बनाए भाई, उनको हम डिमोरलाइज या नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते। जैसा आपने अच्छा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोगों ने लगता है कि भाई गाली बको, गाली बकने तो भाई नौकरी नहीं लगोगे, गाली बको छक्का, लेकिन गिल्ला पटे जाओ, बके जाओ, अपन के टेंशन है, बता हमने के दूंगा भाई, बीजेपी ने कौन सा मारता है, कलेक्टर का पद दे रखा है, समझ गए बात ना, कांग्रेस आओगी पेपर उसने भी लेने पड़ेंगे, कोई आओ लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, समझ गए। तो बालक इतने सहने हो गए, बक्से हैं, भर्ती ना काटिए, जो अगर बीजेपी किसी तीसरी कर दी कांग्रेस की भी कर देंगे, कोई ना छोड़ता है, बालक बहुत आगे चले गए और हम बच्चों के साथ हैं। अब मुद्दा बस इतना सा है कि जो आप नेगेटिव हुए बैठे हैं ग्रुप डी वाले या जो आगामी सीटी मेंस के हैं, आप अपनी तैयारी रखिए, पेपर इनको सारे लेना मजबूरी है। मैंने ये नहीं कहता ये इतने अच्छे हैं पेपर लेंगे, मैंने कहा मजबूरी है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो लेने पड़ेंगे, पहली चीज लेनी करनी पड़ेगी, ठीक है बिल्कुल। दूसरा अभी जो अभी क्वेश्चन आंसर भी निकाल दी उनके, आंसर की काट दी, काट दी विद ऑब्जेक्शन लिंक, जिसने जो ऑब्जेक्शन है जिस क्वेश्चन पे अपना ऑब्जेक्शन लिंक भी डाल दिया, सरकार फटाफट काम करे भाई और दबा दब करेगी, चाहे वो खुश होकर करे चाहे वो मजबूरी में करे। मजबूरी 2024 का इलेक्शन है, 8 महीने सरकार के पास है, इस सरकार ने इलेक्शन भी जीतने की तैयारी करनी है, सारी करनी है। जो बालक पढ़निया है वो तो लाग जाओ भाई पढ़ाई पे, और जिसने जिस जिस पार्टी के झंडे उठाने बेसर से उठाए रहो, आपके गाली देने थे चाहे मेरे तर चाहे खट्टर तर चाहे दीपक लाठर जी तर चाहे किसे थे, आपके गाली देने थे ना तो पेपर पर कोई फर्क पड़ना ना सरकार पर कोई फर्क पड़ना, ध्यान रखो पढ़ाई करो नौकरी लगनी है, गाली देनी है झंडे उठाने तो अलग बात है। हाँ, सही बात है भाई। देखो आप लोग अब हरियाणा पुलिस के जो बच्चे हैं जिनके लिए हमने काम करा, भगवान की दया तो उनकी ज्वाइनिंग आई, बिल्कुल सब अच्छा होया, ठीक है। और देखो उन तय हमने कोई पर्सनली ऐसा तो है नहीं भाई वो हमारा बैच ले होंगे, इसीलिए उनके ऊपर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया क्योंकि वहां से कुछ निकल नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था, सही बात है। आप हरियाणा पुलिस के बालक जाना है कि उनका साथ किसने दिया, समझ गए बात है। लेकिन और तक मैं लिखड़े नहीं था इसलिए उनको ऊपर क्या हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी क्या नहीं होगी किसी ने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन सीईटी के बालक उन्हें नेगेटिव करे जाओ मत करो, ये भी बहुत गरीब परिवार आते हैं, ग्रुप डी की तैयारी कौन करे सर, वही तो करे है जिसने बस एक बार नौकरी पकड़ी, नौकरी चाहिए उस बेचारे ने तड़के उठते थे अभी वीडियो वाले हैं आदमी गण हो जाओ आज फिर अपना खाली बैठो भाई, समझ गए मन नहीं कर रहा उनका पढ़ने, मेरे दौर में पढ़ो पढ़ो सारे पेपर, यो नहीं होगा दिल्ली पुलिस रहा इब चंडीगढ़ पुलिस में कल देश बिना बड़का सिलेक्शन हुआ है अपना देखियो, मेडिकल वाला है हरियाणा पुलिस वेटिंग वेटिंग मैसेज आ रहे थे बच्चे जी, तो सही ध्यान आ गया जी जी। तो अच्छा देखो सरकार के बारे पास बात क्या चल रही है कि जी 42 क्वेश्चन है अब इनका क्या होगा, सरकार ने एक जवाब दिया है कि एचपीएससी के 33 क्वेश्चन भी तो आए थे, लेकिन सरकार या तो यह बात बताना नहीं चाहती या एक नॉर्मली से उसकी हेल्प लेना चाहते हैं, वे 33 क्वेश्चन जो एचपीएससी के आए थे वो 33 क्वेश्चन से कोई मेरिट निर्धारित नहीं होनी थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो सिर्फ पासिंग के लिए था, यो मेन है नौकरी से तो मिलनी है मेरिट यही है। दूसरी बात एचपीएससी का मामला एक साल और अब के बीच में मतलब बीच का गैप 365 डेज का था,
यो मात्र 12 घंटे का था। तो यो थोड़ा सा एक ऑब्जेक्शन वाली बात है, पर सरकार है भाई, जो जुकर करेगी वो करेगी, लेकिन पढ़ना आपने है, आपके गाड़ी देने तक कुछ नहीं होगा, मेहनत करो, पढ़ाई करो। ये बात वो तो समझे जो पढ़े है, मारी बात वो तो समझे है जो पढ़े है, जो निर्णय आई है वो तो भाई गाली भी देगा, सारे काम करेगा। सीईटी में आप देखो, मेरे साथ दीपक राठौर जी बैठे, मैं अपने एक जिक्र करूं, कदे नहीं करी मैंने, फिर भी मैं आपसे जिक्र करूं, सीईटी के ऊपर भाई मैंने सीईटी पे कुछ, मास्टर जी मैंने सीईटी पे कुछ बोला ही नहीं, आपने नहीं बोला ना वो तो सर, अरे मेरी वीडियो में आप नहीं, अरे ना आपने कुछ बोला, बहिष्कार करो बहिष्कार करो, मेरा तो करना ही था, चलो जुकर भी कर दिया, मास्टर जी और लपेटे में ले लिए। किसे राजनीतिक पार्टी ने एक फंक्शन कर दिया रोहतक में सीईटी क्वालिफाई को लेकर, दो बार हुए, मैं दोनों बार गया, मैं दोनों बार गया, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं आए, नहीं आए, लेकिन मैं दोनों बार गया, बड़का सपोर्टर भाई। वो राजनीतिक मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दे पर जगदीप भाई साहब अपना अपनी तरफ तक काम कर रहे हैं भाई, तो इनने उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए भाई, या चीज थी वह चीज थी, बड़का अगला दिन मेरे दर उस पर मैंने सीटी का कोई जिक्र नहीं करा, सीटी नहीं आपने जिक्र करा, व्यक्ति का कर दिया मैंने, अब उसका प्रोग्राम कैसा था, ठीक था। हाँ, बच्चे के मेरे द्वारा मैसेज आए कि सर आपका तो बच्चे बायकॉट करने लग रहे हैं, मैं बोला रे मेरा क्या का बायकॉट, देखा तो मैं ट्रेंड चला रखा पूरा बायकॉट दीपक मुख्यमंत्री साहब तो मिला, शिक्षा मंत्री साहब तो मिला, सारे धक्के खाए भाई मैंने, बिल्कुल ठीक है, किसी ने मुंह पर जवाब दे दिया, किसी ने पाछे तो जवाब दे दिया, लेकिन कोशिश तो हमने सर सब तक अंडा, तो मैं सबसे पहले अपन इस विषय को कवर करना शुरू करा, तेल फूका हमने, तेल फूका हमने, अरे गाड़ी भी मारे, मेरी गाड़ी का इंजन बंद ना दे रखा, तो ये लपेटे में आए भाई, आना तो मैं भी नहीं चाहिए था, लेकिन इसीलिए भाई मैं तो सीटी के बड़का से एक बात कहूं, मैंने उससे का बात कही, मैं देखो मैं अध्यापक हूं, तुम छात्र हो, अपन दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ना तो कोई राजनीतिक पार्टी अपना साथ रहोगी, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति अपना साथ रहोगा, बाढ़ आज तो हम ठीक है, जो नुकान ला रहा मैं क्वालिफाई करा दूंगा, कित गया वो जॉब, अरे मैं तो इबी भी आड़े हूँ, ठीक बात है, मैं तो इबी भी आड़े हूँ, लेकिन तमीब नू सोचो कि अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से अपने टीचर्स के साथ या अपने छात्र भाइयों के साथ ही अनबन करोगे, तो फिर वो राजनीतिक तो भाई राजनीतिक ही होते हैं, उन्होंने उनके अपने काम देखते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी को, इस बात ना समझो, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, छात्र और शिक्षक इनका ही रिश्ता है अगर मेन, या थोड़ा मैं उन भाइयों ने कहना चाहूंगा जो एकदम हाइपर होकर कुछ भी सोच करके मेव करते हैं, थोड़ा सोचा करो यार, चलो जिसके कहने पे भी आपने भाई एजेंडा अपना बनाया, बना लिया, कोई बात नहीं, मास्टर जी का 1 लाख फॉलोअर हो गए, मेरे 6 लाख हो गए, और भाई आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आपने हमको इतना सपोर्ट करा, इतना बायकॉट करने के बाद भी मैं हमारे कुछ भाई तो ऐसे थे जो हमारे साथ ही रहे, और उनका बड़ा धन्यवाद, बायकॉट करने वाला का भी धन्यवाद भाई, आपने भी वायरल तो खर करे ही, हाँ इतना तो दोष आपका भी नहीं है। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है भाई, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और मैं लास्ट में एक लाइन और, जी जी जी, बी पॉजिटिव, पेपर होंगे आज नहीं कल होंगे, बी पॉजिटिव, पढ़ते रहिए, बिल्कुल खुश हो गए, पढ़ते रहिए, बस जो होगा कुछ समय के लिए दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कभी ना कभी तो सवेरा होगा, नौकरी लागनी है आपने, सीरियस पढ़ाई कर लो, हरियाणवी चुटकुला पेपर नहीं पटा कर दे, धन्यवाद, जय हिंद, बात माता की जय, थैंक यू।